रस्सी गर्मी नहीं, पैर के नीचे बैठ गई हूँ। फ्रेंड्स, इस गर्मी में लस्सी खाने का मन कर रहा है और इसी गर्मी में लस्सी हर किसी को पसंद है। आज आम के पेड़ के नीचे बैठ कर बनाऊंगी कच्चे आम की लस्सी और साथ में रहेगा तरबूज की लस्सी। तो फ्रेंड्स, देखिए वीडियो में आप दो लस्सी की रेसिपी देख सकेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा वीडियो देखते रहिए। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मेरे हाथ में है दो कच्चे आम और ये दोनों आम मैंने मेरे ऊपर जो आम का पेड़ है वहां से लिया हूं। सबसे पहले मैं कच्चे आम की लस्सी बनाऊंगी। पहले आम को बारीकी से काट लेंगे। बारीक कटे हुए कच्चे आम को मिक्सी में डालकर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। लस्सी बना रही हूँ और देखिए मेरा बेटा जी भी हाजिर। बेटा जी भी हाजिर, चलो बाबा आज लस्सी बना रही हो। तुम्हारा पसंदीदा लस्सी तरबूज की लस्सी बन रही है और कच्चे आम की लस्सी बन रही है। तुम बैठो, मम्मी बनाओ। ठीक है, चलो। तो फ्रेंड्स, अभी बनेगी तरबूज की लस्सी। कच्चे आम का पेस्ट मैंने बना लिया है, अब बारी है तरबूज की जूस निकालने की। लो, सबसे पहले तू लो, बेटे भी दिखाओ। अब लस्सी की घोल बनाने की बारी। तो यहाँ पर देखिए मैंने खट्टा दही लिया हूँ। जाएगा शक्कर। अब इस लस्सी में भर के डालेंगे आइसक्यूब। और क्या, अच्छी तरह से मिक्स करने की बारी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं स्टील वाले की तरह मिट्टी की हांडी लेकर बैठ गई हूँ। बस अब लस्सी की घोल अच्छी तरह से मिक्स करना है। दो चम्मच खट्टा दही, थोड़ा बीट नून, काला नमक ऐड कर दिया हूँ। अभी जाएगा शक्कर। तरबूज वैसे ही मीठा है, ज्यादा शक्कर डालने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जाएगा तरबूज का जूस। अब जाएगा बड़ा सा आइसक्यूब। देखिए फ्रेंड्स, तरबूज की लस्सी और कच्चे आम की लस्सी बन चुकी है। क्या बताऊं फ्रेंड्स, ये जो कच्चे आम की लस्सी है ना, थोड़ा खाने में खट्टा है, जो लस्सी गर्मी में अमृत समान है।